तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्जाम इसी मंथ में है या आने वाले मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो प्लीज़ आप 7 बजे रेडी रहा करिए। 7 बजे मेरी क्लासेस अपलोड हो जाती है चैनल पे, तो 7 बजे आप चैनल पे आके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साइड में होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ CCC रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये प्रोसेस ज़रूर कर लीजिएगा। और ये आपकी अपनी वेबसाइट है, इस पे भी आपको CCC से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन एंड आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये आपकी अपनी वेबसाइट है, मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार ओपन करके जरूर देखिएगा, वहाँ से भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और ये फेसबुक पेज है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाह रहे हैं, तो इस फेसबुक पेज से हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की टेस्ट स्टार्ट किया जाए। आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है पहला सर्च इंजन कौन सा था। नंबर एक है याहू, बी नंबर है गूगल, सी नंबर है आर्ची, डी नंबर है सफारी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसे टॉप लेवल पे रखा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोगों को करेक्ट आंसर मालूम तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अदरवाइज में तो बताऊँगा ही, ठीक है। तो सर्च इंजन जो पहला था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कई बार बताया, जिन स्टूडेंट ने मेरे पिछले क्लासेस अटेंड की उनको आई होप मालूम होगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आरसी। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, पिछले बैच के जो भी स्टूडेंट थे हमारे, पिछले मंथ जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम था, अच्छे से उनका एग्ज़ाम भी हुआ, जो मैंने बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे उन्होंने बताया था, और अच्छे मार्क्स, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही उन लोगों का रिजल्ट भी आया, अच्छे ग्रेड से पास भी हो गए। तो उन्होंने जब बोला कि सर पास हो गए अच्छे ग्रेड से, आपने जो बताया था क्वेश्चन में से, तो आई होप मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट को बताए, जो भी मैंने क्वेश्चन अपलोड किए, उनसे उनको हेल्प मिली, तो मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। तो आई होप अगर आप भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप लोग भी अच्छे नंबर लाएंगे और टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFS का फुल नेम क्या होता है। तो नंबर एक है नेटवर्क फाइल सिस्टम, बी नंबर है नेट फोल्डर सिक्योरिटी, सी नंबर है नेटवर्क फाइल सिक्योर, डी नंबर है नन। तो NFS का जो फुल नेम होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप को इस वीडियो में मालूम हो जाएगा इसका फुल नेम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, NFS का फुल नेम होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे भी क्लासेस 10-15 मिनट की हो जाती है, तो आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूँ, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा जो क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिएगा। अगर आप ज़रा सा भी ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, तो उसमें हेल्प मिल जाएगी। मैं जो सारे क्वेश्चन बताता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन का मतलब तो सेम रहे, पर थोड़ा घुमा फिरा के हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब सेम ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुड डेज का संबंध किससे है। तो नंबर एक है सोशल ऐप, बी नंबर ब्राउजर, सी नंबर वेब होस्टिंग, डी नंबर इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब होस्टिंग। दोस्तों, अब वेब होस्टिंग क्या होती है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुड डे एक ऐसी वेबसाइट है, कमर्शियल वेबसाइट है ऐसा कह सकते हैं आप, जिसके थ्रू आप डोमेन नेम, ठीक है, जैसे .com, .in, .org और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी मेमोरी होती है, ठीक है, उसी तरह वेबसाइट के लिए जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है, उसे ही हम वेब होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो गुड्डे एक वेबसाइट है जो कि होस्टिंग और हमें डोमेन नेम दोनों प्रोवाइड करती है। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। और भी बहुत सारी वेब होस्टिंग या आप कह सकते हैं डोमेन नेम प्रोवाइडर साइट हैं, गुड्डे है और बहुत सारी हैं, मैं किसी वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा कि कौन कौन सी और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
एसईओ का पूर्ण रूप क्या होता है? एक नंबर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बी नंबर सर्च इंजीनियर ऑपरेटिंग, सी नंबर सिक्योरिटी इंजीनियर ऑप्टिमाइजेशन, डी नंबर नन। तो एसईओ का फुल नेम जो होता है, आप लोगों को मालूम नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या चीज़ होती है मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। सर्च इंजन यानी कि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो होता है जो लोग वेबसाइट चलाते हैं उन लोगों को मालूम होगा फिलहाल। तो ये एसईओ होता है, जैसे कि एसईओ करके आप कुछ भी किसी भी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को आप जैसे कुछ लिखते हैं कि ट्रिपल सी कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर, तो एसईओ से वो सारी जो क्वेश्चन होते हैं कोई भी अगर अपने वेबसाइट में ये सारी चीज़ें यूज करेगा एसईओ का, तो आपकी वेबसाइट गूगल पे सबसे पहले रैंक होके आ जाएगी। कुछ भी आप सर्च करेंगे जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रिपल सी के, तो अगर एसईओ का यूज किया है उस वेबसाइट में तो उसकी वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक होके आपको दिखेगी, ठीक है। तो एसईओ ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में राउटर किसके समान होता है? तो नंबर एक है स्विच, बी नंबर है मेस, सी नंबर है हब और डी नंबर है ब्रिज। तो दोस्तों जो राउटर होता है वो हमारा किसके समान होता है? वो होता है ब्रिज के समान। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा की जरूरत क्यों होती है? एक नंबर नुकसान की भरपाई के लिए, बी नंबर है दुर्घटना होने पर सहारा और सी नंबर है बचत, डी नंबर है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि बचत भी होती है, ठीक है, बीमा में, और दुर्घटना में भी हमें सहारा मिल जाता है, नुकसान की भरपाई भी हो जाती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को कट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो नंबर एक है कंट्रोल प्लस ए, बी नंबर है कंट्रोल प्लस सी और सी नंबर है कंट्रोल प्लस एक्स और डी नंबर है नन। तो ये चार ऑप्शन आपको ऐसे ट्रिपल सी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शन रहेंगे, जो करेक्ट होगा उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। ऑनलाइन आप लोगों का टेस्ट होता है जैसा क्या मालूम है आप लोगों को। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंट्रोल प्लस एक्स, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सी क्यों नहीं, तो सी होती है, कंट्रोल सी होती है कॉपी करने के लिए, ठीक है, एक ही डेटा को आप दूसरी उसकी छाया प्रत करके दूसरे स्थान पे आप उसे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जो कंट्रोल एक्स यानी कट होता है, जब आप एक स्थान से उसे कट करेंगे तो वहां पर वो हट जाएगा, अब जहां पेस्ट करेंगे वहां पर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ट्रैफिक को क्या कहते हैं? तो नंबर एक है भीड़, बी नंबर है कंट्रोल, सी नंबर है कंजेशन और डी नंबर है कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेट ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या होती है? जैसे कि भी कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे कि किसी भी रिजल्ट आने वाला होता है, जैसे ट्रिपल सी की ही वेबसाइट है, जैसे जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन जिन जिन स्टूडेंट को मालूम होता है कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक साइड वेबसाइट को ओपन करते हैं, यानी कि आप भी ओपन कर रहे हैं, रिजल्ट आया हमें भी देखना तो हम भी ओपन कर रहे हैं एक ही वेबसाइट, वेबसाइट तो एक ही ट्रिपल सी की नीलेट, हम भी रिजल्ट देखेंगे, अब हमारा फ्रेंड भी देखेगा और बहुत सारे लोग देखा करते हैं, ठीक है। तो एक साथ जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो क्या होता है, बिजी हो जाती है, ठीक है। ट्रैफिक यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ एक वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वो उसका जो सर्वर होता है थोड़ा कमज़ोर यानी कि वीक हो जाता है, स्लो चलने लगता है, तो वही होती है हमारी ट्रैफिक, ट्रैफिक कितनी आ रही है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजक्शन सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डग डग गो क्या है? नंबर एक नेटवर्क, बी नंबर वेब ब्राउजर, सी नंबर वेबसाइट और डी नंबर है सोशल मीडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यदि आपको मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है इस ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये सब रॉन्ग है, सब चारों गलत हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो चारों बताए और चारों गलत हो गए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन मैं लिख देता हूँ फिर से, सर्च, ठीक है, सर्च इंजन, जैसे आप लोगों का गूगल होता है और याहू होता है वैसे ही डग डग गो एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, ठीक है। इसमें से सारे रॉन्ग क्वेश्चन हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जल्दबाजी में चार ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, सर्च इंजन होता है डग डग गो। क्वेश्चन आए तो आप सिलेक्ट करिएगा सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरफॉक्स क्या है? तो नंबर एक कंप्यूटर, बी नंबर एक ब्राउजर
और सी नंबर एक सिक्योरिटी सिस्टम, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो फायरफॉक्स होता है आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, मोजिला फायरफॉक्स, तो मोजिला फायरफॉक्स इस प्रकार का हमारा क्या होता है, एक ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक ब्राउजर होता है, ठीक है। फायर मोजिला फायरफॉक्स फुल नेम ये होता है, मोजिला फायरफॉक्स। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मोजिला क्या है या फिर आता है फायरफॉक्स क्या है, तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के रिस्टार्ट और रिस्टार्ट के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को मालूम होगा। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो प्रोसेस, अब जब स्टार्ट हो गया आपका कंप्यूटर चलने लगा, इन केस कोई प्रॉब्लम आ गई, आप फिर से रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बूटिंग बोलेंगे। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो यहाँ पर सिर्फ बूटिंग की बात हो रही है, कंप्यूटर के रिस्टार्ट और स्टार्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल ग्रिड लाइन को डिफॉल्ट में प्रिंट करता है। जो आप लोगों का एक्सेल होता है, ठीक है, मैं आप बता देता हूँ, ये एक्सेल हो गया आपकी, एक्सेल जब ओपन करते हैं ऐसे ही रहता है ना आप लोगों का एक्सेल, ऐसे और ऐसे ऐसे रहता है ना, और सेल बने होते हैं। तो ये जो आप लोगों को ग्रिड लाइन यानी देखने को मिलता है ये पूरा सेल, तो जब आप प्रिंट देते हैं कुछ भी लिखा उसमें, उसके बाद प्रिंट देते हैं, तो ये वाली जो लाइनें होती हैं आपके पेपर पे प्रिंट होके आती हैं, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। जब आप प्रिंट करते हैं यानी कि वो प्रिंट देते हैं तो वो ग्रिड लाइन आती नहीं, जब आप इंसर्ट करते हैं टेबल में जाके, एक ऑप्शन होता है टेबल में जाके अगर आप इंसर्ट करते हैं तब वो प्रिंट होती हैं। अगर बाय डिफॉल्ट होगा तो वो जो आप लोगों को कॉलम और रो देखते हैं बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में @ होना जरूरी है। तो आई होप इसका राइट आंसर मालूम होगा, सभी लोगों के पास ईमेल आईडी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। भाई @ होगा तभी तो आगे पूरा कंप्लीट होगा, एड्रेस, जीमेल एड्रेस तभी तो कंप्लीट होगा ईमेल, तो इसलिए @ होना जरूरी है, ये सिंबल @ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, nextquestion.com एक वेबसाइट है। तो .com मैंने अभी शायद आप लोगों को नहीं ऊपर नहीं बताया, लेकिन अभी मालूम हो जाएगा आप लोगों को, राइट आंसर इसका हो जाएगा फाल्स। तो .com एक वेबसाइट है, इस क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि .com एक प्रकार का आपका क्या है, डोमेन नेम होता है, मैंने बताया था अभी ऊपर, .com, .net, .org है ना, .net, बहुत सारे डोमेन नेम्स होते हैं। तो जो .com होता है वो प्रकार का आपका क्या है, डोमेन नेम है, तो एक प्रकार की वेबसाइट नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स कार्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो जी ग्राफिक्स कार्ड, कार्ड की बात आ गई तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का हार्डवेयर है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा फाल्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका फाल्स हो जाएगा, ग्राफिक्स कार्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए फाल्स हो जाएगा, अगर नहीं होता तब सही होता, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फाल्स इसका। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप CCC से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन आपका है, आप पूछ सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई देता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।